बेबी देखो मम्मा आ गई। अरे मेरा बे नहीं बेटा हमेशा तो किसी ने भी तेरी बेबी को नहीं देखा। मेरा बेबी गायब हो गया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है अमिता? तुमने ठीक तरीके से सभी कमरों में देखा? हाँ, मैंने हर जगह देख लिया, मुझे बेबी कहीं पे नहीं मिल रहा। परेशान मत हो, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग दामाद जी और अमित को फोन करके बता दें। कहना मेरे बच्चे की रक्षा करना प्लीज। और हेलो अमिता, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ, जरूरी मीटिंग में हूँ। अमित मेरे पास थोड़ी देर नहीं है, हमारा बच्चा खो गया है। क्या क्या बात कर रही हैं आप अमिता? अमित हमारा बच्चा खो गया, घर पे ढूंढने सबको पूछते, किसी को नहीं पता हमारा बेबी कहाँ है। मेरा बेबी खो गया। लेकिन कैसे, कब हुआ ये सब? मुझे वो सब नहीं पता। मैं तब आप सब कुछ छोड़िए, पहले जल्दी से घर आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए। अमिता घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं घर पहुंचता हूँ। हेलो कमेश अंकल जी, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। हाँ सारी जानकारी निकाल के आपको देता हूँ। ओके आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? बेटा बेटा कमिश्नर साहब से बात हुई तुम्हारी? जी पापा, कमिश्नर साहब से मेरी बात होगी और हमें फुल सपोर्ट करेंगे। कुछ नहीं होगा, हमारे बेबी को वापस मिल जाएगा। मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे बस मेरा बच्चा ला दीजिए। मम्मी जी कुछ करो, मेरा बच्चा तो ना है, कुछ करो ना प्लीज। मैं बेबी है ना, मुझे ढूंढो। अमिता मेरी बात सुनो, आपके दिल का जो हाल है उससे कहीं ज्यादा बुरा मेरे दिल का हाल है। तुम्हें इस वक्त बहुत ही ज्यादा हिम्मत से काम लेना होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि आखिरी बार तुमने बेबी किसके हाथ में दिया? बेबी गई था, मैं इसे सुलाकर गई थी ना। कोई था बच्चे के आसपास? कोई नहीं था, मैं इसे रख के गई थी यहाँ पर। बहुत मुश्किल से सुलाया था मैंने उसे। अरे बहुत चिड़चिड़ा था वो, पता नहीं क्या हो गया था उसे, और कजरी भी नहीं थी मेरी मदद करने के लिए। ढूंढ पा रहा मेरा बच्चा कहाँ चला गया, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ ले। एक मिनट, हम सब लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कजरी कहाँ है? कजरी कहाँ है?
हम तो आपको ये कहने आए थे कि बेबी अभी ठीक लग रहा है, आप चाहें तो नहाने जा सकते हैं। नहाने के बाद भी अगर आपको कुछ काम करने हो तो आप कर लीजिए, हम है ना बेबी के लिए। अभी रिया कजरी भी नहीं है, तो मतलब कजरी बच्चे को लेकर चली गई। फाल्गुनी प्लीज, बिना सच जाने हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मतलब हो सकता है कजरी किसी और काम से बाहर गई हो। पापा मैं कमिश्नर साहब को फोन करके अभी कजरी की डिटेल्स निकालता हूं। हेलो अंकल। हाँ अमित बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात बतानी है कि बच्चे के साथ साथ उसकी जो आया है ना कजरी, वो भी घर से गाया था जी। उसकी हाइट होगी करीबन 5 फुट और हाँ बाल काले और बुरी आँख। नहीं गांव कौन सा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मुझे उसके बारे में थोड़ी भी डिटेल मिलती है मैं आपको कॉल करता हूँ। हमें कजरी का सिर्फ हुलिया बताने से आपको क्या लगता है कि हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा? बोलिए पुलिस करोड़ों की भीड़ में कहाँ ढूंढेगी हमारे बच्चे को, कजरी को? हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ से आई थी, क्या करती थी, कहाँ रहती, कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में। हमें बस इतना पता है कि वो हमारे घर में हमारे बच्चे को चुराने के मकसद से आई थी और वो करके। हमें मेरी गलती, सब मेरी गलती, मुझे उसे खबर रखने नहीं चाहिए था। अब कहाँ ढूंढे मेरे बच्चे का, मैं बताऊँ? अमिता प्लीज आप शांत हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, प्लीज अमिता। गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इतनी ताकत हम कजरी को ढूंढने में लगाए ना, तो मेरा दिल कहता है कि कजरी जरूर पकड़ी जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मम्मा पापा को बताओ हमने कितनी मस्ती की ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा मिल गया। क्या बात है दादी, आप सब लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कहाँ ले गई थी मेरे बच्चे को, बताओ कहाँ ले गई थी मेरे बच्चे को तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कजरी, कहाँ ले गई थी मेरे बच्चे को? मैं ऐसा क्या गलत कर दिया? हम बेबी को छत पर लेकर गए थे खुली हवा में। मेरी इजाजत से फिर तुम्हें किससे कहा था उसे ले जाने के लिए घूमने? अमिता प्लीज अब कजरी के ऊपर कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है। आराम से बात करिए ना। और कजरी अगर आप बच्चे को कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे तो घर में किसी को बता कर जाओ, और अगर बिना बताए जाओगी तो ऐसा ही होगा। हमें बताने का मौका ही कहाँ मिला, हम तो आपके कमरे के बाहर से निकल रहे थे, बेबी बहुत जोर जोर से रो रहा था, हमने इसे कमरे में जाके भी चुप कराया, चुप ही नहीं हुआ तो सोचा कि खुली हवा में छत पर ले जाते हैं। देखिए अभी कितना खुश लग रहा है, हमने क्या गलती कर दी? एक मिनट, तुम कह रही हो कि मेरा बच्चा रो रहा था, तो अगर वो रो रहा था तो उसके रोने की आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई थी? हाँ कैसे सुनाई देगी आपको, आप तो बाथरूम में नहा रहे थे ना, पानी की आवाज में आपको बाहर की आवाज कैसे सुनाई देती? हम तो बेबी को चुप ही करा रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? तो कजरी तुम ना कितना डांटोगी बेचारे को,
बोला था उसे बच्चे को घुमाने लेके गई थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी गलती कर दी कजरी ने। एक सेकंड दिया, मुझे बात करने दो। देखो जो हो गया सो हो गया, अब बात का बतंगड़ बनाने से कोई मतलब नहीं बनता। पर कजरी, आइंदा घर में किसी को भी बिना बताए बच्चे को एक मिनट के लिए भी तुम बाहर नहीं ले जाओगी। समझ में आई बात? जी मैडम जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए हमें। इसके ग्रह नक्षत्र तो अति उत्तम है, पर एक समस्या है, कुंडली में वो खतरा दिख रहा है और वो भी कहीं आसपास ही है। जी मैंने सुना है कि आपके घर में बच्चों के लिए आया की जरूरत है, मैं भी काम की तलाश में हूँ। बेबी खो गया था ना तो ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें मेरे अंदर से मेरी जान निकाल ली हो। अभी इतना नहीं घबराई थी, कभी था। बच्चे ना सबके होते, हर माँ बाप अपने बच्चों से इतना ही प्यार करते जितना कि हम करते। अमिता मैं खुद अपने बच्चे से प्यार करता हूँ, शायद आपसे भी ज्यादा। लेकिन अमिता जब भी अपने बच्चे की बात आती है तो पता नहीं क्यों आपका जो बर्ताव है वो साधारण इंसान जैसा नहीं होता। आपको देखकर मुझे ये लगता है कि सारी दुनिया जो है ना हमारे बच्चे की दुश्मन है। बताइए ना, ये कौन सी बात है जो आप अपने दिल में छुपा कर बैठी? बेबी, मेरा बच्चा कहाँ? बेटा, मेरी कोई मदद करो, कल रात को मुझे बहुत ही बुरा सपना आया, मैं हमारा बेबी खो गया था। वो देखकर मैं इतनी डर गई थी कि और पंडित जी की बातें मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं पा रही। कल क्या होगा ना, उसे तो ना आप बदल सकती हैं ना मैं। पर सच कहूं ना अमिता, तो सब कुछ हमारे हाथ में होता है। या तो हम हमारे आने वाले खराब कल को देखकर हमारा आज खराब कर लें, या तो हम हमारा आज अच्छा करके आने वाले बुरे कल के लिए लड़ने की तैयारी कर लें। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या अमिता? अमिता आप ये सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। चलो मान लेते कि आप ये सब बातों में विश्वास करती हैं, चलो ये भी मान लेते कि आपका जो आने वाला समय है वो बुरा है, लेकिन आपका काना अमिता, आपको अपने काना पर भरोसा नहीं है?
कि आपका खाना आपके साथ कुछ ऐसा बुरा करेगा? कहां गया आपका विश्वास अमिता? हाँ, मेरा विश्वास डगमगाया जरूर था, पर टूटा नहीं। आपने मुझे जो भी बात समझाई है, जो भी बात बताई है, मैं उसे हमेशा याद रखूंगी और अपने स्वभाव को भी बदलूंगी। पक्का। आई लव यू अमिता। आई लव यू टू। समझ में नहीं आता कि इंसान को जूते खाने के बाद ही अकल क्यों आती। मैंने तेरे को पहले भी कहा था कजरी, तू अमिता के बेटे से दूर रह, लेकिन नहीं, तेरी भी क्या गलती है, तू ठहरी गवार अनपढ़, तू क्या समझेगी ये बड़े बड़े घरों की बड़ी बड़ी बात। पता है कजरी, पहले पहले ना मैं भी बिल्कुल तेरे जैसी थी। दीदी, आप भी पहले गवार थी क्या? यस, क्या बोल रही है, गवार नहीं, सीधी मतलब भोली थी। भाई इस घर में ना कोई मिलजुल कर नहीं रहता। आप पूछ क्यों? क्यों क्या है ना कि ये जो अमित और अमिता है, ये किसी को प्यार से रहने नहीं देते घर में। पूरा टाइम यही सोचे रहते हैं कि ऐसे घर का सब कुछ हड़प कर ले। ये कजरी, इसलिए मैं तुझे कह रही थी कि दूर है अमिता के बेटे से। तो अमिता है ना, इसका प्रॉब्लम है लाइफ, किसी भी अच्छे इंसान को घर में टिकने ही नहीं देती। अब तो इसने कसम खा ली, तुझे तो घर से निकलवा के ही छोड़ो। बेटा वैसे भी आज तेरा गुड बाय हो जाता अगर मैं वक्त पे नहीं बोलती तो। अब हम क्या करें, आप बताइए ना। तू रुक, सुन, उसे घबरा मत, टेंशन मत ले। हाँ देख, अगर तुझे घर में खुश रहना है ना तो बिल्कुल वैसा ही कर जैसे मैं बोल। क्या है ना कि यहाँ पे खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है। मैं तुझे जैसा जैसा बोलूंगी ना तू बिल्कुल वैसा ही कर। तू समझ गई मैं क्या कह रही हूँ? दीदी आप समझाएंगी तभी तो समझ में आएगा ना। नहीं समझने वाला क्या है कदरी? देख रोज की तरह ना तू दूध को थोड़ा गर्म कर ले, बॉटल में डाल के थोड़ा सा हिला ले उसको, बस और क्या। दूध नहीं दीदी, दांत। बेबी आप कब आए? बस अभी आया। ओके अच्छा अब जा, बैठी मत रह। और सुन जल्दी आना, किचन में मत बैठी रहना। ओके आप ही के पास आ रहे हैं। हाँ हम बाप के पास जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, है ना? गले से बच गए हम ना। आज शाम काका की बहुत सारी शिकायत करेंगे मम्मी जी को। चलो चलो हम चलेंगे। जो कुछ भी हो रहा है जरूर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है। मुझे घर वालों से बात करनी होगी। मामी जी, अमित, ये देखिए, ये हमारे रूम के बाहर पड़ा हुआ था।